मौलाना अब्दुल वहाब सांस और सीने में तकलीफ के बायस डॉक्टर अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्हें डेंगू बुखार की तशखीस भी हुई। कुछ रोज से वेंटिलेटर पर थे। वजीर आजम इमरान खान, वजीर पंजाब उस्मान बुजार, अब्दुल अलीम खान, फयाज़ुल हसन चौहान, नवाज शरीफ और सिराजुल हक समेत सियासी और समाजी शख्सियात का मौलाना हाजी अब्दुल वहाब के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। दीनी खिदमात को शानदार करार दिया। मौलाना अब्दुल वहाब का जस्ते खाकी अस्पताल से रायवंड मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। मौलाना नजरुल रहमान जनाजा पढ़ाएंगे। मौलाना अब्दुल रशीद और दीगर उलमाए कराम मरहूम की दीनी खदमात और मौत की हकीकत पर बयान करेंगे। रायवंड तबलीगी मरकज में तदफीन की तैयारियां, हजारों अकीदतमंदों की शिरकत मतवक्के। मौलाना तारिक जमील कराची का दौरा अधूरा छोड़कर लाहौर पहुंच गए। हाजी अब्दुल वहाब की वफात पर जामे शर्फिया में ताजियती रेफरेंस। हाजी अब्दुल वहाब की खदमात को खराज अकीदत पेश किया। दुआए मगफिरत की गई। लोगों की जनाजा में शिरकत के लिए पीआईए की खसूसी परवाज चलाने का फैसला। हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए अनोखा फॉर्मूला। बगैर हेलमेट किसी भी मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल ना देने की तजवीज। सीटीओ लियाकत अली मलिक का कमिश्नर लाहौर को खत। पेट्रोल पंप पर कानून कैसे नाफिज करना है, क्या तरीका कार अपनाना है। डीसी ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के रहनुमाओं को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। पेट्रोल डलवाने के लिए हेलमेट पहनने की शर्त। शहरियों को मिला जुला रद्द अमल। हेलमेट की पाबंदी खुशाइंद है। शहरियों के तासुरात, हुकूमत पाबंदी लगाने से पहले हेलमेट सस्ते करे शहरी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां। मिसाजिद, गली, मोहल्ले, बाजार रोशनियों से सजने लगे। जामिया नईमिया के ज़ेरे तमाम जश्न आमद रसूल का जुलूस। आशिकान रसूल की शिरकत। दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम फैजान मदीना जोहोटोन मरकज में ईद मिलादुन्नबी का बड़ा जुलूस। सब परचम उठाए, मोटरसाइकिलों पर हजारों अफराद की शिरकत। हेल्थ फाउंडेशन पहले मरहले में मुलाजमतों के 1 लाख मौका पैदा करेगी। सरकारी मुलाजमत हर शख्स को देना मुश्किल काम है। सरकारी नौकरी की ख्वाहिश ने प्राइमरी फिजिशियन के शोबे को नुकसान पहुंचाया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का तकरीब से खिताब। पीसी होटल में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के जेरे तमाम कर्जों की स्कीम का इफ्तिताह। फैज़ फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज अदब, फनून लतीफा, सियासत पर मुख्तलिफ सेशन। फैज़ अहमद फैज़ के मदा समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद की शिरकत। वही ख्वाब मोतबिर थे कि उनवान से नशिस्त का अहतमाम। जहरा निगार, डॉक्टर आरिजा सईदा, नूरुल ऐन और अदाकारा नूरुल हसन की शिरकत। साकिया रक्स कोई रक्स सबा की सूरत के उनवान से तालिबात की डांस परफॉर्मेंस। हाजरीन ने लाजवाब परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। अलहमरा में किताबों का मेला। तारीख, अदब, साइंस और जोग्राफिया की किताबें दस्तियाब। बुक स्टॉल्स पर शहरियों का रश, मनपसंद किताबें खरीदने लगे। वजीर आला पंजाब के एडवाइजर अक्रम चौधरी का शादमान इतवार बाजार का दौरा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फातिमा बतूल भी हमरा। स्टॉल्स पर अशिया की कीमतों का जायजा लिया।
सस्ते गर्म कपड़ों का हसूल, शहरी सुबह सवेरे ही लंडा बाजार पहुंच गए। लंडे के स्वेटर, जर्सियां, जैकेट्स के दाम भी महंगे, बाजार में रश। किसी ने खरीदे गर्म कपड़े तो कोई शूज खरीदता नजर आया। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, पीआईए ने एक साल बाद लाहौर से मस्कत के लिए दोबारा सर्विस का आगाज कर दिया। मस्कत के लिए लाहौर से हफ्तावार दो परवाजें जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्शल अरशद मलिक। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के जेर तमाम ज्याबीतस बारे आगाही वॉक, लिबर्टी गोल चक्कर से हुसैन चौक तक शुरुका ने शुगर से बचाव बारे आगाही, प्ले कार्ड उठाए रखे थे, डॉक्टर्स और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। और खुशगवार मौसम में गवर्नर हाउस की सैर, स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा की आमद, सैर से लुत्फ अंदोज हुए, बच्चों की मौज मस्ती, शटल सर्विस के भी मजे।